एवरीवन, आज हम परसेंटेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली कैट 2017 में पूछा गया है। आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव व्हाइल 20% ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। इफ द रिमेनिंग 8,840 शर्ट्स आर लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट देन द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज एंड द ऑप्शंस आर। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। टोटल जितने भी शर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से 15% तो डिफेक्टिव हैं, बाकी जो बचे हैं उनमें से 20% डोमेस्टिक मार्केट के लिए हैं और रिमेनिंग 8,840 एक्सपोर्ट के लिए हैं। हमें पता करना है कुल कितने शर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, टोटल शर्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे 100x मान सकते हैं। एक्स मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डेसिमल और फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें। 100x में से 15% यानी 15x डिफेक्टिव हो गए, तो कितने बचे हैं? इन दोनों का डिफरेंस 85x। 85x का 20% आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, इसका 10% होता है 8.5x, तो 20% होगा 17x। तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए हमारे पास हो गए हैं 17x एंड द रिमेनिंग 68x which is equal to 8840 is sold in the export or it is for the export purpose only. इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 68 वन टाइम 68 थ्री टाइम जीरो, सो विल गेट 130 फॉर x here. x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो टोटल शर्ट जो प्रोड्यूस हुई हैं वो हो जाएगी 100 into 130 और 13,000।